माई फैशन चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ड्रेस। तो इसे आप क्रॉप टॉप भी बोल सकते हो, लहंगा भी बोल सकते हो, स्कर्ट भी बोल सकते हो। तो ये हमने लिया है, चार मीटर कपड़ा है, को सिल्क बोलते हैं। इसमें हल्की की शाइनिंग होती है। क्या ये मैं अस्तर लगाने लाई थी अपने, जो मेरी लहंगा बनाने के लिए मैंने एक नेट लिया था वर्क वाला है, तो उसी का ही मैंने ये अस्तर लिया था। तो अब क्या मैं ड्रॉइंग बनाई थी, तो थोड़ा सोचा कि अभी कपड़ा उससे बनाने उस ड्रेस में ज्यादा सूट कर रहा है, तो सोचा अब इसी की केवल ड्रेस बनाते हैं। तो अब मेरे पास इसका अस्तर तो है नहीं, तो मेरे पास ये स्कर्ट है, जब मैं कोर्स कर रही थी फैशन डिजाइनिंग का तब मैंने स्कर्ट बनाई थी। तो इसको हम इसका अस्तर में अंदर यूज करेंगे, क्योंकि कपड़ा मोटा है, नेट नहीं है, तो आराम से दिखेगा भी नहीं बिल्कुल भी, और आपका जो घेर होगा वो भी अच्छे से दिखेगा। तो इसे हम यूज करेंगे अंदर अस्तर के तौर पर। और ये हमने ली है वेलवेट वाली लेस, ये भी मैं सीखे लाई थी, पर अब मैं इसको इसमें यूज करूंगी। इसे मैं बॉटम में लगाऊंगी और यहाँ बेल्ट पे भी लगाऊंगी। तो चलो फिर अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऊपर हम रखेंगे कमर का 8, तो क्या है, तो 1 इंच हम मार्जिन में लेंगे तो वो 6 रह जाएगा, और नीचे बॉटम का हम जो घेर करेंगे वो लेंगे 20, तो मतलब 22 रखेंगे, वैसे है 20, तो 1 इंच उसमें अंदर मार्जिन आ जाएगा, क्योंकि सिल्क के है कपड़ा तो थोड़ा खींचने का डर रहता है इस वजह से, तो हम मार्जिन थोड़ा ज्यादा लेंगे। उसे आप चाहो तो ज्यादा भी घेर कर सकते हो, तो हम इसमें से 6 कली काटेंगे। तो अब हम इसकी पहले कटिंग करके मैं आपको बता दूँ। तो अब मैं पहले कमर की ऊपर निशान लगा दूंगी, ठीक है, फिर उससे बॉटम की। तो पहले क्या है, हम इधर से कली स्टार्ट करेंगे, तो इस कली के हिसाब से पहले इसको थोड़ा शेप दे देते हैं। अब ऊपर से कली का मार्जिन ले लेते हैं, नाप लेते हैं, फिर उसको कट कर लेते हैं, ठीक है। अरे एक कली काट ली है, तो हम ये क्या करेंगे, क्या एक कल कमर का इस साइड और एक कमर का साइड उस साइड करेंगे। ऐसे करके क्या है, घेर हमारा अच्छा आ जाता है और कपड़ा वेस्ट नहीं होता। तो हम इसकी और कलियां भी काट कर मैं आपको दिखा देती हूँ। सारी कलियां काट ली है, तो अब हम इनको सिलेंगे, ठीक है, एक दूसरी कली को जोड़ लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ फिर मैं ये कैसे जोड़ूंगी। अब हमने इसकी सारी कलियां जोड़ ली है, तो अब हम इसको बॉटम में इसके लेस लगाने वाले हैं। तो हम ये वाली लेस इसमें लगाएंगे, तो हम लेस कैसे लगाएंगे, इसको हम ये बॉटम है इसका यू मोड़ते जाएंगे अंदर, और लेस इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इससे क्या है, ये कपड़ा खींचेगा नहीं और ये धागे वगैरह बिल्कुल नहीं निकलेंगे, थोड़ा सेफ्टी हो जाएगी इसलिए। तो अब हम इसको लेस को इसमें लगा लेते हैं। पहले लेस लगाने के बाद हम इसमें अस्तर जॉइंट करेंगे, उसके बाद हम इसकी बेल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो फिर हम आपको ये कम्प्लीट करके दिखाते हैं। तो अब हमने इसमें लेस लगा ली है बॉटम में पूरे में, तो अब मैं इसमें अस्तर जोड़ूंगी, जो ये स्कर्ट है, अभी स्कर्ट को मैं अब इसमें जोड़ लूंगी। ये सिर्फ मैं कमर पे ही जोड़ूंगी, उसका घेर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा ओपन रहेगा इस वजह से। तो अब मैं इसको जोड़ लेती हूँ पहले। तो अब हमने इसमें अस्तर भी ज्वाइन कर लिया है, तो अब क्या करना है, अब हमें जो ऊपर से जो बेल्ट होती है वो कट करनी है। इससे हम इसका बेल्ट बनाएंगे, तो मैं आप इसकी बेल्ट कटिंग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बेल्ट काटने के बाद इसको मैं अपनी स्कर्ट में ज्वाइन करूंगी, फिर उसके ऊपर लेस वेस लगाकर आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। अब मैं इसको कंप्लीट मतलब कटिंग कर लेती हूँ। पहले हम इसकी बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे 6, और इसे कट करके मतलब मोड़ने के बाद ये सिर्फ 5 रह जाएगी, क्योंकि हम इसमें आधा आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे मोड़ेंगे आगे। अब मैं इसको लहंगे में ज्वाइन कर लेती हूँ,
फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर ये लेस लगा दूंगी। इसकी बेल्ट की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैंने इसकी चौड़ाई 5 इंच रखी है। तो अब मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ पहले, फिर इसको लेस लगाकर मैं आपको कंप्लीट करके अब दिखाऊंगी पूरा। हो चुकी है, ये बेल्ट भी लगा दी है और नीचे बॉटम भी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब ये कंप्लीट होगा कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो अब मैं इसको पहनकर दिखाती हूँ कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ सकता है। इसके साथ आप कोई भी ड्रेस, मतलब ड्रेस का ब्लाउज यूज कर सकते हो, ब्लाउज या फिर टॉप वगैरह कुछ भी आप मैच कर सकते हो। तो मेरे पास ब्लैक कलर का ब्लाउज है, तो मैं उसको इसके साथ मैच करके पहनकर आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। चलो फिर देखते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. आपने देख लिया है कि इसका पहनने के बाद लुक कैसा आ रहा है। तो इसे आप किसी भी साथ मैच कर सकते हो, ब्लाउज में या टॉप में किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, स्कर्ट के तरह, लहंगे के तरह। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका मैचिंग का ही ब्लाउज बनाकर आपको दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपको ये ड्रेस कैसी लगे ये भी आप कमेंट करके बताओ। इससे रिलेटिव अगर आपको फोटो या वीडियो देखनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आकर देख सकते हो, उसका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। ये ड्रेस आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ड्रेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ। तो अब तक के लिए फिर बाय बाय। और हाँ, फैशन के दौर में गारंटी के पीछे ना करें।